जेबीएम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि वैदिक आर्यन सोसाइटी के अंदर जो एक वैदिक पुरुष है वो अपनी भतीजी के साथ में भी शादी कर सकता था, उसके साथ में शारीरिक संबंध बना सकता था। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमने खोल ली है बाबा साहब अम्बेडकर की बुक रिडल्स इन हिंदुइज्म और उसके हम पार्ट थर्ड पॉलिटिकल में चलते हैं और उसके रिडल नंबर 23 कलियुगा व्हाई हैव द ब्राह्मिन्स मेड इट अन एंडिंग। इस रिडल में नंबर 23 में हम आ गए हैं। अब हम चलते हैं उस पर्टिकुलर पैरा में जिसमें बाबा साहब ने इस चीज को एक्सप्लेन किया है। तो फ्रेंड्स, आ गए हम उस पर्टिकुलर पैरा में जहां पर इस चीज को एक्सप्लेन किया है। एक्चुअली इस पूरे रिडल में जो 80% है वो बाबा साहब ने यही एक्सप्लेन किया है कि जो वैदिक आर्य शराबी शबाबी कबाबी जुआरी थे, ये उनकी नॉर्मल प्रैक्टिस थी उस वक्त, उस समय के हिसाब से इसमें कुछ भी गलत नहीं था, कुछ भी कानून के अगेंस्ट में नहीं था। तो यहां पर बाबा साहब कहते हैं कि इट वॉज ओपन फॉर ए पर्सन टू मैरीज हिज ब्रदर्स डॉटर। ठीक है, इट वॉज ओपन फॉर ए पर्सन टू मैरीज हिज ब्रदर्स डॉटर। धर्मा मैरिड 10 डॉटर्स ऑफ दक्षा, दो दक्षा एंड धर्मा वर ब्रदर्स। अब एग्जाम्पल दिया है धर्मा और दक्षा का कि जो धर्मा और दक्षा है वो दोनों भाई हैं और जो धर्मा है उसने दक्ष की 10 बेटियों के साथ में शादी की थी। ठीक है, दोनों भाई हैं लेकिन फिर भी धर्मा ने दक्ष की 10 बेटियों के साथ में शादी की, यानी अपनी 10 भतीजियों के साथ में उसने शादी की थी। तो फ्रेंड्स, इससे ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि उस समय जो वैदिक पुरुष था वो अपनी भतीजियों से भी शादी कर सकता था। इस एग्जांपल से ये चीज क्लियर हो जाती है। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भीम।